तो अभी फिलहाल हमारा टाइम हो गया है निकलने का। यहाँ पे मैं खा रहा हूँ प्रोटीन बार, और वैसे ही अभी थोड़ी देर पहले हम लोग नाश्ता भी करके आए थे, ऐसे अभी आपने वीडियो देखी होगी। तो अब निकल रहे हैं, हमारा जो कैब ड्राइवर है वो वहाँ नीचे खड़ा हुआ है, अगर आपको दिखता है, दिख नहीं रहा होगा, वहीं नीचे खड़ा हुआ है। बाकी व्यू तो देख सकते हैं कितना बढ़िया है। बाकी पीछे मैडम तैयार हो रही है, ग्रीन रूम लगा रही है, बस अब जा रहे हैं, निकल रहे हैं नीचे। और बाकी अब देखते हैं आज कहाँ का जाना है। आज वैसे कहाँ का जाना है, मणिकरण, हाँ आज जा रहे हैं मणिकरण टेम्पल, होगा आश्रम से थोड़ी दूर का है, जाते हैं वहाँ पे आपको दिखाते हैं। और उनमें डिस्टेंस चेक करते हैं, रुके। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, हमारा आज का ट्रिप है मणिकरण का। और इनको देखिए ये रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ, मैंने आज ये वाली ड्रेस वेयर की है। और इनको देखिए ये पिछले 3 दिन से एक ही ड्रेस वेयर कर रहे हैं। अब आप ये मत कहना कि मैं अलग अलग ड्रेसेस पहनती और ये एक ही ड्रेस, क्योंकि इनको पता नहीं क्या है कि हमेशा एक ही ड्रेस डाले रहते हैं। मेरे को समझ नहीं आता इनका क्या है, इनको बड़ा मजा आता है एक ही कपड़े में घूमने में, लेकिन मैं नहीं घूम सकती एक ही कपड़े में। मैं कंफर्टेबल रहूंगी, कंफर्टेबल कपड़े डालूंगी। इनको ना ऑकवर्ड फील हो रहा है, इनके पास भर भर के कपड़े पड़े हैं लेकिन ये पहनते नहीं है। मेरे को मत पहना कि मैं इनका ध्यान नहीं रखती। अब बाकी नीचे चलते हैं, देखो ये तो बात है क्योंकि नीचे चलते हैं, ड्राइवर नीचे खड़ा है। हाँ, हमारा ड्राइवर नीचे खड़ा है, अब हम कार में चल के आपको अपडेट करते हैं, बताते हैं और रास्ता दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। तो अब हम लोग जाने के रास्ते में, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं देखो कि नीचे कहीं ड्राइवर खड़ा होगा। गाड़ी कहाँ लगाई है, हमने उनको कॉल वॉल नहीं किया, हमें थोड़ा लेट हो गया था एक्चुअली। क्या है, थोड़ा वो पैकेज वाले से बातचीत होने लगी थी हमारी, लड़ाई हो रही थी, बातचीत कहाँ हो रही थी, अनन्या देवी लड़ रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा उसने कर दिया, तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, मेरी बात हल्के ले रहा था, तो फिर देवी को अवतार अपना लेना पड़ा। नहीं नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, मतलब ठीक है। अभी थोड़ा बोलना पड़ता है उनको, क्योंकि अगर वो ना बोले फिर ना हम, तो फिर वो सोचते हैं कि हम ऐसे ही चुपचाप रहने वाले हैं, और अगर ना बोले तो फिर उनको लगने लगता है कि चलो जो जैसे चल रहा है ऐसे चला दो। तो जब हमने पैकेज देखा तो बहुत सारी गाइस, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर नहीं करी थी, और उस कारण से वो लोग ना हमको टरका रहे थे, कह रहे थे कि अरे वो वहाँ सूखा पड़ा है, वो ये पड़ा है, वो पड़ा है, ऐसे पड़ा है, वैसे पड़ा है। हम तो हमने कहा कि भैया सुन लिया, पहले दिन सुन लिया। ये अभी इनके ड्राइवर से बात हो रही थी, ड्राइवर आ रहे हैं, तो हमने पहले दिन तो इन्होंने सुन लिया, दूसरे दिन भी सुन लिया, तीसरे दिन वहाँ से मम्मा ने कहा कि बेटा जरा बात कर लो, तो हमने कहा कि चलो अब बात बस करते हैं। वेट था, और जहाँ इनको परमिशन मिली इन्होंने सुना जी, मम्मा के कारण मैं चुप थी, मम्मा से जैसे परमिशन मिली वैसे मैंने कहा चलो अब बात करते हैं। फिर मैंने कहा भैया अगर आपको कुछ चार्जेबल एक्स्ट्रा करना था तो आप हमारे पैकेज में ही लिख देते हैं, जब हमें फाइल सेंड करी थी पैकेज की, इंट्रोडक्शन की, हर जगह की, आपने तब क्यों नहीं मेंशन करा, जब आपको करना है, आपने हमें पैकेज दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम कहाँ घूमे कहाँ नहीं घूमे। कोई नहीं, चलो अब ये तो यही कंप्लीट करते हैं, अभी आगे दिखाते हैं ड्राइवर हमारे, आगे दिखाते हैं। हाँ, हमारी गाड़ी आ रही है, अब गाड़ी में बैठ के हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए ये बीआरओ का हेडक्वार्टर है, बीआरटीएफ का हेडक्वार्टर है, ये देखिए गाइस, और ये इसके पीछे देखिए माउंटेन्स कितने प्यारे लग रहे हैं, रिजॉर्ट यहाँ पीछे बना हुआ है, और ये देखिए हमारा रिजॉर्ट बना हुआ है, ये हमारा ऊपर रिजॉर्ट है, ये येलो वाला, ये हम स्टे कर रहे हैं, मतलब रुके हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पीछे हमारे ड्राइवर भैया आ गए, वो खड़े हैं, देखो घुमा दो, ये हमारी कार आ गई है, वहाँ खड़ी है, और चलते अब हैं, हम कार में चलते हैं और मणिकरण चलते हैं, और आपको दिखाते हैं कि क्या हालत है मणिकरण, कैसा है मणिकरण, हम भी पहली बार घूम रहे हैं, तो चलिए हम चल के दिखाते हैं। तो अभी हम लोग कार में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं मणिकरण की ओर, तो चलिए चल के देखते हैं। एक बार सामने से वीडियो दिखा दिया जाए, भैया इधर ड्राइव कर रहे हो, यहाँ पे सामने हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ रहे थे, और यहाँ पे पहाड़ों ने अपना अलग ही रूप धारण कर रखा था, और पेड़ों ने तो चार चांद लगा रखे थे यहाँ पर, मज़ा ही आ गया देख करके, मन इतना शांत हो रहा था कि क्या ही बताएं, ठंडी ठंडी हवा सुबह की, फ्रेश, पॉल्यूशन ज़रा भी नहीं है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बादल एकदम साफ, आसमान एकदम नीला नीला दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन ज़रा भी नहीं है। सच बताऊँ दोस्तों, ऐसा व्यू देख करके दिल खुश हो जाता है।
और सबसे बड़ी बात पता है दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पे हर एक मोड़ पे आपको एक नया नज़ारा देखने को मिलता है। पत्थरों को काटते हुए पानी यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है और इतनी सारी जीवन की सीख भी हमें ये पानी सिखाने को देता है। यहाँ पे जितना देखें नज़ारे उतने कम हैं। यहाँ पे धीमे धीमे हम लोग छोटी छोटी दुकानें को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह पर आपको राफ्टिंग के, पैराग्लाइडिंग के स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा एक पैराग्लाइडिंग कर रहा है वो बंदा यहाँ पे ऊपर, और ये करीब करीब अच्छी खासी नहीं तो 7-8 हज़ार फीट की हाइट पर होगा। और यहाँ पर हर एक जगह आपको काउंटर दिखेंगे, बहुत सारी ट्रैवल बसेज आपको दिखेंगी और ये बसेज सारी की सारी वही हैं, ये सब बुकिंग पर चलती हैं और इनके चार्जेस काफ़ी अच्छे खासे रहते हैं। बताओ। हाय, अभी हम आ चुके हैं, दिखा दीजिए वहाँ ऊपर दिखा दीजिए। क्या अभी हम आ चुके हैं वैष्णो माता टेम्पल कुल्लू में, और चप्पल इधर उतार देते हैं। अरे चल क्या आने के टाइम पे ये देखिए यहाँ फोटोज वगैरह दिख जाएंगी, बताती चलना नहीं। क्या हो रहा है? देखिए शायद प्रसाद का स्थान। हाँ बढ़िया, चलो। तो यहाँ बस हमें हैंड वॉश करने को मिलेगा, बाकी अंदर की जो वीडियो है वो आपको बाद में दिखा दी जाएगी, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए, चलिए। इसके अंदर जा पाओगे आप? कोशिश करते हैं, चलो। चल सर बचा के, स्टार्ट करो वापस से। तो अभी हम एक लंबी गुफा को पार करके प्रसाद चढ़ाने आए हैं, जैसे कि हम सही में वैष्णो देवी मंदिर में हैं। हमें काफी अच्छा लग रहा है। देखिए ये भी आए हैं हमारे साथ, मम्मा देखेंगे ना। बस आगे नहीं बन पाएंगे इससे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि यहाँ मंदिर में आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, यहाँ पे पंडित ने हमारा कैमरा बंद करवा लिया था। करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले, ये आप देख सकते हैं ऐसे बिल्कुल सुरंग सी दिख रही थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल मैं एग्जैक्ट वैष्णो देवी में हूँ। और बाकी दोस्तों ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे एरोज लगे हुए थे, हमें इन्हीं को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे आगे हम बढ़ रहे थे, एक एक करके हमें सारे टेम्पल्स यहाँ पे नज़र आ रहे थे। अब आप व्लॉग देखें आपको पता चल जाएगा, हमने ज़्यादा बोला नहीं है पर आपको थोड़ा थोड़ा करके आइडिया लग जाएगा क्या है। कोशिश करें समझने की क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा बोलते तो पता चल जाता। अब देखें क्या हो रहा है, व्लॉग देखें पता चल जाएगा। चलो चलो और यहाँ आ गए हम श्री महाकाली टेम्पल में। तो ये मैंने यहाँ पे पहले वाले मंदिर में मत्था टेका और ये काली जी का मंदिर था, और यहाँ पे ये क्लिप्स बना रहे थे मेरी और अपनी भी।
फिर मैंने इनको टीका करा, माता के चरण का टीका, और ढेर सारी विशेष मांगी कि भगवान जी माता रानी जल्दी जल्दी जो सब मांगा है सब पूरा करो, मैं हमें खुशी से रखा। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ सारी चीज़ें इधर उधर, और ये कैमरा घुमा के इधर उधर सब दिखा रहा है। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ी देखने के लिए कि यहाँ कौन से मंदिर और हैं। फिर सीढ़ी चलते पता चला कि हमको ऊपर जाके गाइस अब हम जा रहे हैं महालक्ष्मी जी की गुफा के दर्शन करने। और हम ऊपर जा गए और ये देखिए हमने एक और मंदिर में माथा टेका और बड़ी माता रानी के, और ये लक्ष्मी माता का मंदिर है। और ये देखो यहाँ पर कैसे मेरे कान्हा जी सोए हैं। ये वो कृष्ण लीला का हिस्सा है जिसमें अंगूठा दबा लिया था मुंह में श्री कृष्ण ने अपना। इसकी कहानी मैं आपको ज़रूर कभी अपने अलग ब्लॉग में सुनाऊंगी, अभी ब्लॉग थोड़ा शॉर्ट है, इसकी कहानी मैं आपको नहीं सुना सकती। यहाँ पे मैंने इनको टीका करा और अब और ऊपर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते इन्होंने ये दिखाया, कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे। फिर मुझे इतना आइडिया नहीं था इस मंदिर का, मैं शिव गुफा दर्शन करने जा रही थी कि और मंदिर मुझे कहाँ मिलेंगे। आगे बढ़ते डिजाइन देख के आप पता चला कि अच्छा आगे और मंदिर है, और ये सरस्वती जी का मंदिर था। यहाँ के आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं कितने सुंदर है। मैं वही बता रही थी कि देखो कैसे आर्किटेक्चर बने हुए हैं यहाँ के सारे माता सरस्वती के। फिर हम आगे बढ़ते डिजाइन हाथ से बनाई हुई, और ये आर्किटेक्चर दिखाते हुए मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके आए। मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम करा। अब माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती सब एक ही हैं, पर माता सरस्वती तो विद्या की देवी हैं। उनसे अपने लिए और सबके लिए हमारे सब घर वालों के लिए खूब सारी विद्या बुद्धि मांगी। मैंने वह माथा टेका उनके चरण पर। ये देखिए मैं माथा टेक रही हूँ उनके चरण पर, और फिर मैं ऐसे करते वहाँ से फूल उठाया था, दो तीन पंखुड़ियाँ उठाई थी उनके चरण की ताकि मैं रखूँ अपने पास। फिर ये देखिए ये शनिदेव के मंदिर हमारे प्रणाम करा, और फिर शिव गुफा की ओर हम चल दिए। ये शायद किसी बाबा का मंदिर है, मुझे ये नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हम आगे बढ़े, मंदिर में एंटर करा। ये इधर इन्होंने शनिदेव पर तेल चढ़ाया, तेल चढ़ाया जाता है यहाँ पर शनिदेव को, उन्होंने यहाँ तेल चढ़ाया, और ये आप देख सकते हैं कि तेल चढ़ा रहे। फिर मैंने भी इनको इनके हाथ इनके साथ तेल चढ़ाया, और फिर मैंने नंदी जी को प्रणाम करा। फिर कहते हैं ना कि नंदी जी के कान में बोलने से शिव जी तक बात पहुंच जाती है, भोलेनाथ तक बात पहुंच जाती है, क्योंकि नंदी जी उनके प्रिय वाहन है, हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो मैंने उनके कानों में कुछ कहा, कुछ मांगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मांगनी थी। ऐसे तो भगवान बिना मांगे सब देते हैं, पर मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिर भी मांगनी थी, याद दिलाना था उनको। फिर हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते हमको रास्ता नहीं समझ आ रहा था, कहाँ से जाना था, कैसे जाना था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और फिर धीरे धीरे दोस्तों हम लोग ऐसे करते करते नीचे उतरे। वैसे ये एग्जिट की लाइन थी जहाँ से हम लोग उतरे, और यहाँ से अब असली चीज़ शुरू होती है। यहाँ पे हमने चढ़ावा वगैरह था वो हमारे हाथ में थी, यहाँ से टोकरी ओकरी नीचे उतरे। यहाँ विराट रूप यहाँ पे था विष्णु जी का, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ इनकी बना रखी थी, देख के मज़ा आ गया। अनन्या इनसे बात कर रही थी, लड्डू गोपाल भी सामने ही थे, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई थी, मज़ा ही आ गया देख करके। इतने सारे देवी देवता नारद मुनि वगैरह यहाँ पे दिख रहे थे, बहुत अच्छा था। यहाँ देखिए शेषनाग ऊपर नज़र आ रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से इनको फ्रेम करा हुआ था, देख के मन खुश हो गया। और आगे बढ़ेंगे यहाँ से, आपको दिखे कि यहाँ पे शॉप, इन्होंने एंट्री एग्जिट ऐसे बना रखी थी, यहाँ पे हमारी जो एंडिंग हुई वो शॉप में जा करके हुई, और शॉप में यहाँ पे इन्होंने चोर बाजारी मचा रखी थी, वो भी अभी आपको आपको आगे बताएंगे। छड़ी वगैरह थी यहाँ पे, जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी चीज़ें ओवर प्राइस, और कुछ बंदे हमें ऐसे घूर रहे थे शॉप में वीडियो बनाने से, हमें रोक रहे थे, हमने एक भी चीज़ टच नहीं करी थी, मैंने भी एक भी चीज़ नहीं टच की थी, उसके बाद भी ऐसे सुना रहे थे ना। अभी आपको बताऊंगा आगे, इसमें आगे चल के बाहर बताएंगे आपको पता चलेगा, मतलब मैंने एक चीज़ टच तक नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, सारी चीज़ दूर से दिखा रहा, आपको कैमरे भी दिख रहा है, एक भी चीज़ नहीं छुई, उसके बाद भी ऐसे सुना रहे थे भैया ऐसे नहीं करना चाहिए, दूर हटो कैमरा बंद करो।
अब यहाँ पे देखो फिलहाल हम शूज़ वगैरह लेकर के निकल रहे हैं बाहर, यहाँ से अभी एग्जिट करेंगे। अब देखिए क्या होता है, आगे आपको पता चल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने फिलहाल एग्जिट करा, शूज़ के पैसे पे कर दिए हमने, यहाँ अपने शूज़ ले लिए। अब आगे निकलेंगे, आपको सारी जानकारी वहाँ पे हम बाहर निकल करके देंगे। फिलहाल अन्नी मेरे को शूज़ पहना रही है और यहाँ से हम बस एग्जिट करने ही वाले हैं। हमने टीका सिंदूर वगैरह जो लगाना था सारी की सारी चीज़ें हमने लगा ली थी और अब बस बाहर निकलेंगे, आपको सारी की सारी जानकारी देंगे। ध्यान से सुने, दोनों लोगों को यहाँ पे लग चुका है तिलक, देख सकते हैं ओम का, और यहाँ पे अंदर हमने कर लिए लगभग सभी भगवानों के दर्शन, एक ही मंदिर में हो गए। ये है टेम्पल, आपकी टेम्पल आपको ऊपर दिख जाएगा, नाम अभी आपको दिखा देंगे। काफी अच्छा टेम्पल है, काफी शांति है, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। इनकी मर्जी थी कि वैष्णो देवी के दर्शन करें। हाँ, और यहाँ पे हमने दर्शन मिल भी गए, वैष्णो देवी लाइट हमने घूम लिया है, है कि नहीं। और यहाँ पे बाकी व्यू की तो बात ही मत करिए, व्यू इतना अच्छा आ रहा है पीछे। बाकी और स्लीपर वगैरह हमने जमा करे थे 20 रुपए। ये आप जब भी मनाली आए इस टेंपल में जरूर आए। हाँ, ये टेंपल जो है, ये कौन सा टेंपल है, नाम बता दीजिए। ये वैष्णो माता मंदिर। हाँ, श्री वैष्णो माता मंदिर है ये। बाकी अंदर चढ़ावा वगैरह अच्छा खासा लगता है, तो पॉकेट वगैरह में अच्छे खासे पैसे लेकर के आइएगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। चढ़ावा आप अपनी मर्जी का है, जितना भी दे सकते हैं। एक जगह हमने ऑयल वो जो चढ़ाया था, तेल चढ़ाया था, कौन से भगवान थे, शनिदेव को हमने तेल चढ़ाया था, सरसों का तेल। वहाँ पे 150 रुपये की, 100 या 150 रुपये की, हाँ 100 रुपये की बॉटल लगी थी। बाकी अंदर भी मतलब बहुत सारा खर्चा था, शॉप वॉप पे वीडियोज़ वगैरह बनाने नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि क्या पता क्या हो, अंदर लूट मार मचा रखी हो, जो भी जैसे भी हो, इसका हम नहीं कह सकते। क्योंकि आप देखिए, एक होता है कहने का तरीका, आप अपनी प्राइवेसी क्यों नहीं खोल रहे, वो भी मंदिर में आप अपनी प्राइवेसी नहीं खोल रहे, सोचने वाली बात यह है कि नहीं। मंदिर में आप अपनी प्राइवेसी खोलने नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि आप अंदर कुछ स्कैम कर रहे हैं। दर्शन हो गए सभी भगवान के, बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ये लोग स्कैम कर रखे हैं, ऐसे फोन बंद करवा दे रहे हैं क्या है। अब यहाँ पे अगर आप मंदिर में देवी देवता की फोटो ना लेने दे, वो तो चलता है, सारे मंदिर में नहीं लेने। शॉप में भी नहीं लेने दे रहे, सोचने वाली बात ये है, यही वो टेम्पल है। यहाँ पे देखें, अगर आप लोग ग्रुप में आए ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना, तो आपको तभी फायदा मिलेगा। और ना ऐसे अंकल वगैरह लोग को वीडियो बना नहीं दे, पता नहीं क्या हो रखा है, किस वजह से, सोचने वाली बात है। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको आगे का दिखाते हैं। दोस्तों, इस छोटे से वैष्णो देवी टेंपल वाले व्लॉग को तो हम यही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अगली व्लॉग को अगर मैंने जोड़ा ना तो व्लॉग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस वीडियो में यहीं पर ही, बाकी अगली व्लॉग में आपको दिखेगा कि मैंने यहाँ डोमिनोज़ में खाना खाया, खाना क्या मतलब पिज़्ज़ा खाया, और बाकी आगे हम जो मणिकरण टेंपल गए वो भी आपको आगे व्लॉग में दिख जाएगा। बने रहिए, अगली व्लॉग में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तब तक के लिए